बुलंदशहर से रेशु कुमार, पत्रकार की रिपोर्ट। लोगों से की कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ने की अपील, प्रदूषण मुक्त मनाए दीपावली। बुलंदशहर शिकारपुर आगामी दीपावली पर्व व प्रदूषण के दृष्टिगत शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने हेतु नगर व ग्रामीण वासियों से वार्ता कर अपेक्षा की गई कि आगामी दीपावली पर किसी भी धार्मिक स्थल आदि पर भीड़ एकत्रित न करें एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए पर्वों को सौहार्द एवं शांतिपूर्ण तरीके से मनाएं। साथ ही सभी से अनुरोध किया गया है कि दीपावली पर्व खुशियों का त्यौहार है, इस पर पटाखे आतिशबाजी जलाकर प्रदूषण न फैलाएं एवं प्रदूषण मुक्त दीपावली मनाएं। इससे वायु प्रदूषण का स्तर काफी ज्यादा बढ़ जाता है, जिससे लोगों को सांस लेने में काफी दिक्कत होती है तथा बुजुर्गों, बीमार व्यक्तियों, जानवरों एवं पर्यावरण के लिए भी कई गंभीर समस्याएं उत्पन्न होती है। इस और अपने परिवार व आसपास के व्यक्तियों को प्रेरित एवं जागरूक करें। सोशल मीडिया के दुरुपयोग एवं अफवाहों के संबंध में भी लोगों को जागरूक किया गया। कोतवाली प्रभारी निरीक्षक ऋषिपाल शर्मा ने अनुरोध किया है कि आतिशबाजी की बिक्री न करें, पुलिस का सहयोग करें। शिकारपुर की ग्रामीण एवं नगर क्षेत्र की जनता से मेरा यह अपील है कि दीपावली प्रकाश पर्व है, एक पवन पर्व है, इसे मिट्टी के दियों पर मोमबत्ती से ही मनाएं। आतिशबाजी एवं पटाखे भयानक और खतरनाक बारूद है, इससे बचें, जो वातावरण को प्रदूषित करता है और जीवन के लिए संकट है। साथ ही प्रिय दुकानदारों एवं व्यापारियों बिंदु से भी मेरा अनुरोध है कि वह आतिशबाजी और पटाखे न बेचें और अपने नगर को स्वस्थ एवं वातावरण मुक्त रही करने के लिए सहयोग करें।